2058 में पता है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? बाहर में जाने मार को सोच नहीं छोड़ूंगा, देख लेना अगर नेमार जब तक आते महारथी इस कुरुक्षेत्र में बेचारे गोली और डिफेंडर्स की शामत लाता है। हेलो एंड वेलकम टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ फुल्ली फालतू गोल पोस्ट। मैं हूं अंकिता और ये है करीमा। ही स्कोर, ही डिडंट स्कोर, ही स्कोर्ड। हम लाइव है, ही डिडंट। अलाइव तो मैं भी हूं, पर गोल किसने मारा, रोनाल्डो ने या ब्रूनो ने? फीफा का, रोनाल्डो का, ब्रूनो का, सबका डिसाइड हो गया। तेरा कब डिसाइड होगा रे करीमा? ब्रो या वो? हाँ वो रोनाल्डो है। रोनाल्डो इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ गोल। ऑर्डिनरी लोग पैरों से गोल मारते हैं, सर से भी गोल मारते हैं या फिर पेनल्टी भी मारते हैं, पॉइंट। बट रोनाल्डो ने इन्वेंट किया है इनविजिबल गोल। लोग अखियों से गोली मारते हैं और रोनाल्डो अखियों से गोल मारता है। Did you just say invisible goal? Yeah. अबे कहाँ से उसने टच ही नहीं किया बॉल को? तो क्यों टच करना जरूरी होता है? Are you listening to yourself? हुआ ना बिना टच किए फिर? Very smart. So guys, yeah. हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए FIFA World Cup की सारी news, views and latest update. इतना भी latest नहीं, थोड़ा सा late update, but with a desi twist. Guys, Messi rocks again. आखिर जिता दिया ना उसने अर्जेंटीना को फिर से। एक सेकंड, मेसी ने जिताया वो भी अर्जेंटीना को? कैसे? या मैन। अच्छा, पेनल्टी करके जिताया उन्होंने। अंकिता, हाँ क्या तुम्हें पता है? या मेसी ने एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता है। रियली? कौन सा? मिस पेनल्टी। गुड वन। बट यार I think it was a good match. तो देख ना, गोलकीपर ने अच्छा सेव किया और वैसे भी पोलैंड की तरफ से तो ऐसे ही लग रहा था कि गोलकीपर ही खेल रहा है। जो भी हो, वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए मेसी लेकर जाएगा। देखो गाइस, डू यू नो अनदर फैक्ट, इस वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट गोल मारा है कनाडा के अल्फोंसो डेविस ने। पर क्या ही फायदा हुआ, कनाडा फिर भी आउट हो गई ना वर्ल्ड कप से। बेचारों ने 1986 के बाद 2022 में क्वालिफाई किया था, गिव देम क्रेडिट, 36 साल बाद आए तो सही सामने। व्हाट आर यू सेइंग, दैट्स अ रियली लॉन्ग टाइम। फिर उस हिसाब से अब तो वो 2058 में क्वालिफाई होंगे। 2058 में पता है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? कौन? ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे मत बोलो, दुआ मांगो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो जाए कुछ। हाय हाय, जोर से मत मारो यार। कुछ नहीं किया हमारा, खाली ग्राउंड में नहीं करते लोग फेक अपनी इंजरी, स्टूडियो में भी होता है ये सब। इसी बात पे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओफ, फिर से गिरा। कुछ कहा क्या आपने? अरे हाँ यार, इसको एक धक्का लगाने की माइकल फिलिप बनना होता है। कोई एक किलोमीटर दूर से भी छिएगा ना ये डाइव मारेगा। एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है, अगर थोड़ी सी एक्टिंग फुटबॉल में कर लेता तो टीम का भला हो जाता। ये मारी स्कूटर केक। अबे बिना हेडलाइट के स्कूटर, इसको स्कूटर कितनी साइकिल किक कहते हैं। सॉरी सॉरी सर। हाँ ठीक है, स्कूटर किक हो या बाइसिकल किक, हमें तो गोल से मतलब है। आ, फिर से गिरा यार, इतना नाटक कर रहा है, इसको बिग बॉस के हाउस में होना चाहिए। ऐसे ड्रामा बाज़ और प्लेयर के लिए ना एक इंटरनेशनल अवार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल फेक अवार्ड। करेक्ट, जैसे रोनाल्डो, टॉरेस, क्लिंसमैन। अरे वो सब तो ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो सिर्फ एक महान प्लेयर को जाना चाहिए। किसको? नेमार। और कौन? ए नेमार को कुछ नहीं बोलने का। अबे फेक इंजरीज का बाप है नेमार। नेमार ने गोल से ज्यादा मीम्स बनाए, ही इज द अक्षय कुमार ऑफ ऑल द मीम्स। हेलो हेलो हेलो, अगर नेमार बाप है तो मेसी दादाजी है, कावर्ड ही है। ओए कावर्ड नहीं बोलने का मेसी को। मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा मेक्सिको बोल रहा है। मैडम अब आप लाइन क्रॉस करो, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। अरे सर वो क्राउड से आई सर, सॉरी मैं नहीं, क्राउड से आवाज आई। नेमार इस दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, मैं बोल रही हूँ। देखो हाँ बेस्ट प्लेयर तो है, क्या टेक्निक है, क्या टैलेंट है, बाकी लोग भाग भाग के खेलते हैं, नेमार लेट लेट के खेलता है। मैं नेमार बन के दिखाऊं? ब्रो तू अपना संभाल, सऊदी का भी एक धक्का लगा, एक दो धक्के और लगे ना तो तू कतार एयरलाइन नहीं विरार लोकल में बैठ के जाएगा अर्जेंटीना। बोल रही हूँ मैं, देखो वो देख फैन है किधर किधर। ओए एक्स्ट्रा टाइम पे जी रही है तू अब? ओए चल बे, तू अपना दे। सऊदी की तरह अगर मेक्सिको के फैंस आ गए ना मेसी को ढूंढते तो फ्री फंड में तेरे को पेल देंगे। ओए सुन संभाल के रे, वरना स्ट्रेचर पे वापस भेज दूंगा। ओए धमकी मत दे, एक हाथ मारूंगी ना तो बॉल की तरह बाउंस करके जाएगा बाउंसर साला। चुप रहे लकीर के फकीर, चुप रहे। हम
चुप रहे क्या बोला नेमार चुप रहे बाहर में क्या नेमार मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तू देख लेना अगर नेमार इसे मारो मुझे तो लगता है इनकी फाइट भी फेक ही थी हां चलो एटलीस्ट हमारी नोकझोंक तो रियल है दैट्स ट्रू पर अब मुद्दे पर आए ये बताओ कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा मतलब बता ही दो अब इस सवाल का जवाब तो मेरी लव लाइफ से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है बट लेट मी ट्राई देख जर्मनी बाहर हो गई आई मीन वाओ कैमरून ने ब्राजील को हरा दिया और साउथ कोरिया ने पुर्तगाल को हरा दिया है वैसे मुबारक हो रोनाल्डो की पहली हार पे I don't want to talk about it. ऐसे तो अगले वर्ल्ड कप में इंडिया भी क्वालिफाई हो सकती है जो भी हो एक बात तो क्लियर हो गई है गाइस मेसी की साइड ही जीतेगी मेसी आई थिंक रोनाल्डो इज द बेस्ट जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है हु इज द बेस्ट मेसी या रोनाल्डो I'm done. निकले नहीं एक सेकेंड अभी तो और धमाल बाकी है क्या तुम्हें नहीं पता नहीं देखिए फिर अब बस हर चार साल में फुटबॉल का तूफान आता है साथ नेमार रोनाल्डो मेसी जैसे धुरंधर लाता है जब टकराते महारथी कुरुक्षेत्र में बेचारे गोली और डिफेंडर्स की शामत लाता है होंगे कई बड़े चमत्कार इस बार क्रिकेट जैसे सऊदी और जापान ने कर दिया अर्जेंटीना और जर्मनी का पत्ता कट सो मिस करके वर्ल्ड कप ना करना अपना घाटा क्योंकि फिर चार साल बाद है ये तूफान आता सो यस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फीफा वर्ल्ड कप 2022 व्हाट अ परफॉर्मेंस फॉर दिया यार गाइस आपका भी टाइम आ गया है परफॉर्म करने का नहीं कोई रैप वैप नहीं करना है आपको बस फुल्ली फालतू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और ऑसम वीडियोस के लिए और देखते रहिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑन जियो सिनेमा स्पोर्ट्स 18 एंड एमटीवी एचडी हिंदी में चलो अंटिल नेक्स्ट वीक कीप स्कोरिंग डोंट वरी मैं फुटबॉल की बात कर रही हूँ तो हमारी ऑडियंस और क्या मतलब कौन सा स्कोर करने टाटा बाय स्माइल अबे बिना हेडलाइट के स्कूटर इसको साइकिल किक नहीं इसको बाईसाइकिल किक कहते हैं क्योंकि तेरे को स्कूटर किक बोलना था इसको संभालो कोई चलो चलो पैकअप करो दोनों को भूख लगी है फुली फालतू फुली एंटरटेनिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फुली फालतू